फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और दो टूक बोल दिया कि प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि यह युद्ध का समय नहीं है। कुछ दिन पहले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी और पुतिन से इसी मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले भी बोल चुके हैं कि युद्ध करना सही नहीं है और दो देशों के बीच विवाद शांति से सुलझना चाहिए। यूक्रेन जंग पर तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ है, वो बार बार कह रहा है कि युद्ध रुके और बातचीत शुरू हो। उज्बेकिस्तान के समरकंद में भी भारत के पीएम ने पुतिन से यही कहा और बोल दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोट किया और दुनिया के सामने बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही हैं। नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज राइट व्हेन ही सेड द टाइम इज नॉट फॉर वॉर। मतलब युद्ध के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री के स्टैंड की दुनिया मुरीद हो रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये समय पूरब और पश्चिम के झगड़े का नहीं बल्कि दुनिया को ऊर्जा और आर्थिक संकट से निकालने का है, जिसके लिए यूक्रेन जंग रोकनी होगी। पीएम मोदी की इस बात से पुतिन भी सहमत थे और अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुले मंच से भारत के पीएम की तारीफ कर दी है।